हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मारूफ सर की यूपीएसआई यूपीबी मैथ की। शॉर्ट्स मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या बुक का कंटेंट है, क्या है। तो 2022-2023 तक आपकी बुक अपडेटेड है। यूपी पुलिस आप चाहे एसआई दें या कॉन्स्टेबल दें, बुक आपके लिए यूजफुल है। और कोई भी एग्जाम देंगे आप उसके लिए बुक यूजफुल है। जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपीएसआई यूपीबी के लिए एग्जाम के लिए आपकी बुक यूजफुल रहेगी। बुक परचेज करना है अगर आपको तो इलाहाबाद में भारू बुक सेंटर है, वहां से भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। और रही बात अगर आप इलाहाबाद में नहीं रहते हैं, बाहर से हैं आप, तो मैं आपको buybookonline.in है उनकी लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कोई इशू नहीं आएगा, बुक आप तक पहुंच जाएगी। बात करते हैं अगर बुक के कंटेंट की, तो 2023 एडिशन ये अपडेटेड चल रहा है आपका। बुक की MRP 600 है। डिस्काउंट आपको मैंने जैसे बताया, सेलर जो है आपको बता देंगे क्या चीज़ है। जनवरी 2023-24 का बुक अब जो है अपडेटेड एडिशन चल रहा है। कंटेंट ये दिए हुए हैं, टोटल 1132 पेजेस की आपकी बुक है। डिजिटल सम, प्रतिष्ठा, लाभ एवं हानि, बट्टा, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार, समय, पाइप एवं टंकी, चाल, दूरी और समय, इस तरीके 30 चैप्टर। वीडियो लंबा बनाना मेरा मकसद नहीं, मकसद सिर्फ एक है, बुक परचेज करने से पहले बुक का क्या कंटेंट है ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को, आप जान ही रहे हैं कि ये कितना महत्व है, टाइम का, पैसे का, सब चीज़ का। तो सही टाइम पे आपके पास सब चीज़ें अगर हैं तो कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही कठिन नहीं आपको पास करना। कुछ चैप्टर्स मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कंटेंट, जैसे एक चैप्टर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए कहते हैं कि शुरुआत के 10 पेजेस की पीडीएफ मिल जाए मुझे, तो देखिए मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करता हूँ कि मैं आपको झूठ बोलूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको क्या कंटेंट आप देख सकें, कुछ चैप्टर्स देख के आप समझ लेते हैं कि बुक आपको परचेज करने के लिए है कि नहीं है। अभी जैसे डिजिटल सम का इनका चैप्टर है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट विद डिजिटल सम इन्होंने दिया हुआ है। फिर एग्जाम्पल्स किस तरीके टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि टाइप 1 मेंशन किया हुआ इन्होंने, टाइप 2 मेंशन है, टाइप 3, ये टाइप 4, अभी क्वेश्चन इन्होंने मेंशन कर दिए, ये टाइप 5, टाइप 6, किस किस तरीके से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं ये इन्होंने पुटअप कर दिया। अब ये परसेंटेज का चैप्टर है आपका, उसका कंटेंट दिया हुआ है। इसी तरीके आप देखिए परसेंटेज, जैसे देखिए डिजिटल सम में क्वेश्चन तो कम थे, अब परसेंटेज जैसे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है तो उसके क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं आपके, ये परसेंटेज से चल रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए आपके चालू हुए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये सोल्यूशन दिया हुआ है। मेन जो है हर टीचर का सोल्यूशन, जो समझाने का तरीका है वो मेन होता है। अब मारू सर का आप जैसे अगर इलाहाबाद में हैं या अगर आप जानते हैं तो अच्छी कोचिंग भी इनकी, और कंटेंट बुक की इन्होंने बहुत ही मेहनत करके बनाया हुआ है। बुक आपके लिए सारे एग्जाम के यूजफुल है। इस चीज़ को आप लोग माइंड से हटा दिए, जैसे बहुत सारे लोगों में रहता है ये यूपी पुलिस का है, यूपीएसआई। देखिए आप एग्ज़ाम रेगुलर हर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो स्पेशली जरूरी नहीं है सिर्फ यूपी पुलिस की, क्वेश्चंस आपके हर जगह काम आएंगे। आप प्रैक्टिस करना आपका काम है। ये परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, देखिए जैसे कितने सारे क्वेश्चंस आ गए आपके। अब ये लाभ एवं हानि प्रॉफिट वाला चैप्टर का है, उसके क्वेश्चंस मेंशन हैं आपके। कुछ कुछ आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पॉज करेंगे तो आपको जो चैप्टर भी मैं पेज खोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कंटेंट। अब ये आंसर की दी हुई है, ये सोल्यूशन दिए हुए व्याख्या के साथ, मतलब इसकी ये टेंशन मत रहिए बुक अनसॉल्व है या सॉल्व है, पूरा आंसर मिलेगा आपको, बेस्ट वे सॉल्व करने का। ये मिश्रण चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, करीब 1100 पेजेस की किताब है आपकी। और एक डाउट और भी रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि मैथ्स की बुक पतली, देखिए मैथ्स और रीजनिंग ये दो चीज़ के लिए प्लीज़ पतली बुक के पीछे मत भागिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये कार्य और समय, पाइप एवं टंकी, मेरी इन बातों से मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि जैसे होता क्या है, जब आप तैयारी करते रहते हैं तो आप किसी के साथ, आपको एक आदमी से ज़रूरत रहती है जिसको आप वो बोले कि यार किताब और प्रैक्टिस करना है, तो आदमी का मन लगता है कि हाँ चलो कर ले, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। चाल, दूरी और समय ये उसका कंटेंट है। ये रेलगाड़ी क्वेश्चन है, देखिए अभी जैसे मान ली रेलगाड़ी आपका चैप्टर, सब में मेंशन भी किस साल क्वेश्चन पूछा गया है, 70 क्वेश्चन करीब रेलगाड़ी के उन्होंने, ये SSC GD का है, 21 का क्वेश्चन, ये आंसर की व्याख्या के साथ। इसीलिए आपके सारे चैप्टर, वीडियो लंबी बनाने में सुन नहीं, यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे तेजी स्पीड कर देता हूँ, तो जो जो डाउट्स थे इस थोड़ी बहुत की वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा। ये सरलीकरण का चैप्टर है आपका, ये 2D का क्वेश्चन, 3D का क्वेश्चन, पाई चार्ट,
इसी तरीके अभी इनकी रामबाण करके यूपीएसआई की भी किताब आई है, इनके बैचेस हैं जो आप इनसे क्वायरी करके आप जानकारी ले सकते हैं, नंबर इसमें दिया हुआ मेंशन है। और यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं इस बुक को मैथ्स के लिए जरूर परचेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।